अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फान चौधरी स्टॉक। मैं हूं फान चौधरी। अगर कुछ पाना है उसके लिए टाइम, मेहनत और इस्तकामत, तीनों चीजें चाहिए। आज मैं बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जुवेद साहब को। देखिए, वो लाहौर, कराची या इस्लामाबाद से नहीं बल्कि बहावलपुर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन डॉक्टर, देखिए, डॉक्टर होने के साथ साथ एक एफर्ट, एक मेहनत, एक जज्बा कि मैंने कुछ करके दिखाना है, मैंने कुछ अवाम जिनके जो लोग हैं उनको पॉजिटिविटी फैलानी है, उनके जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें मैंने सॉल्व करना बताना है, उनके मैंने इजीएस्ट वे में जैसे सॉल्व कर सकते हैं उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। और देखिए, आज 1 मिलियन उनके हो चुके हैं, उसमें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। देखिए, आपने कामयाब होना है तो आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते, उनकी भी एक छोटी सी टीम है, आप भी इस तरह एक टीम बना सकते हैं, आप टीम बना के फिर वर्क कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर से वो चाहते तो अपनी लाइफ में मगर रहते, जीते, खिलते, सोते, लेकिन नहीं, इंसानियत के साथ जुड़ना है। हमने अपना एक, यानी कि यहाँ पे अपना एक, यानी कि उन्हें अब कोई भूल नहीं सकता, वो अपना एक हिस्सा मिला के जा रहे हैं इस दुनिया में, वो अभी भी जिंदा है, जब तक जिंदा रहते हैं पॉजिटिविटी का एक जरिया बनी है। देखिए, उनके किरदार, उन्होंने अपना बिल्ड किया, एक उन्होंने एक पॉजिटिविटी फैलाई है, उन्होंने एक मुस्बत रवैया लेके आए हैं इस दुनिया में, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। हमें भी चाहिए कि यार देखिए, मोटिवेशनल है क्या चीज़, मोटिवेशन का मतलब क्या है, दूसरों को आसानी फ्राहम करना, अपनी जात को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए सोल्यूशन निकालना, दूसरों के लिए टाइम निकालना। देखें, एक शोबे में कामयाब हो गए, वो साथ दूसरे शोबे को साथ लेके चले, उस शोबे को जहाँ पे पहला शोबा भी इंसानियत की खिदमत, दूसरा शोबा भी इंसानियत की खिदमत। देखें, कितना बड़ा अल्लाह ताला की जात ने काम लिया और उन्होंने कितने बड़े, यानी कि बड़े अहसन तरीके के साथ अंजाम दे रहे हैं अभी भी, और अल्लाह ताला की जात आगे भी उन्हें और ज़्यादा तरक्की दे, और ज़्यादा फॉलोअर्स दें। एक तो ये इनके लिए से एक नंबर्स हैं, लेकिन एक लोग इतने जुट चुके हैं और पता नहीं कितने लोग देखते हैं। लेकिन बात यह कि हमने जब भी सिलेक्शन करनी है, हम कोशिश करें इस तरह का शोबा सेलेक्ट करें जहाँ पे हम इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ लोगों की बातें लोगों को बताते हैं, सर्च करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लोगों की देखते हैं इस माशरे में क्या सॉल्यूशंस आ रहे हैं। उनकी एक वीडियो इस्लाम 360, इस्लाम के साथ टच रहते हैं, जिंदगी का मकसद बताते हैं, इस्लाम 360 के बारे में उन्होंने ला के जिसने इन्वेंशन की थी, उन्हें जिसने ऐप खुद बनाई थी उनके साथ वीडियोस बनाई हैं, उन यंग्स को अपने साथ बिठाते हैं और सॉल्यूशंस निकालते हैं। देखिए, इसे एक शोबे पे नहीं रहते, पूरी दुनिया पे देखते हैं क्या चीज़ें हो रही हैं, फिर उस पे सारी डिस्कशंस करते हैं सॉल्यूशंस। अब जिन जो लोग घरों में फ्री बैठे हुए हैं उनके लिए जॉब्स का भी इंतजाम करते हैं, उनके लिए अपने बिजनेस का भी इंतजाम करते हैं। देखे ना, हर तरह के अच्छे से अच्छे जरिया बना रहे हैं। मैं दोबारा उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ और उन्हें, उनके लिए अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ, और मैं भी कोशिश करता हूँ जो उन्हें नहीं जानते वो भी उनके साथ बहुत ज़्यादा और मोहब्बत करें, अल्लाह ताला के साथ हमसे भी कोई अच्छा मकसद ले और हम भी इंसानियत की खिदमत करें, हम अल्लाह ताला की ज़ात के बंदों की खिदमत करें। आखिर में अल्लाह ताला की ज़ात में अच्छा बोलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हमारा जो मकसद होता है ना, हमेशा अच्छा बोलना होता है, कभी कोई नेगेटिविटी की तरफ, कोई हमारा अल्लाह ना करे कोई मकसद चले जाए तो उसकी अभी से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद हमेशा पॉजिटिविटी फैलाना होता है, कभी नेगेटिव बातों को आगे फैलाना नहीं होता बल्कि उसे ख़त्म करना होता हमने। आखिर में अल्लाह ताला की ज़ात में अल्लाह ताला से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।